नमस्कार, राजगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते हमारे मेहमान एक ऐसे कलाकार हैं जो दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन संगीत प्रेमियों के लिए, संतूर प्रेमियों के लिए हमने उनके साथ की गई पुरानी बातचीत को रिप्रोड्यूस किया है। हमने उसे फिर से तैयार किया है आपसे रूबरू कराने के लिए उन्हें। ये इंटरव्यू जो हमने पंडित जी के साथ पहले किया था, उसमें मेरा एक सवाल इस बारे में भी था कि संतूर को आखिर वो सिंगिंग संतूर क्यों कहते हैं, आखिर संतूर कब गाने लगता है। आप देखिए, अगर आप उसको गाने के हिसाब से तोलना शुरू कर देंगे अगर मैं सीधा ही लूं तो ये कट नोट्स में आएगा, पर राग की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है। राग की जो प्लेसमेंट ऑफ नोट है यानी ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है एक राग के, बढ़त की, शास्त्र के हिसाब से, वो आना चाहिए। और वो ये है, चाहे उसको अलाप के अंग में आप ले लीजिए, जैसे मैं जोड़ में आता हूं तो देखिए कैसे आएगा। हर नोट का अलग 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 शेड आना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट कितनी है, वो अगर दूसरे नोट के साथ आता है, ये सारा गुरु शिष्य परंपरा में ही बता जाता है, किताबों में रेफरेंस तो आ ही जाता है, लेकिन लगेगा कैसे तो वो तो सीना बसीना ही होता है कि साहब जब आप से पंचम पे आ जाओगे तो ये इस ढंग का लगना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स जो है, अगर आप सिर्फ टुक टुकी करते रहे, टुन टुन करते रहे, जैसे जल तरंग में आ गया और थोड़े से बच गया, अब जो कुछ बच गया, तो उससे मन को तो ठीक लगेगा, हाँ भी थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो राग की ग्रेविटी है, जो उसका ग्रैंडियर है,
जो हम कहते हैं हम राग बजाते नहीं हैं बल्कि राग का श्रृंगार करते हैं, उसका पूजा करते हैं। तो श्रृंगार कैसा फिर? श्रृंगार है कहाँ फिर? आप टुन टुन ही करते रहो पूरा दो घंटा तो ठीक है, जो सुनने वाले हैं उनको शायद या तो खबर नहीं है या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सुन सुन के, क्योंकि शास्त्रीय संगीत छूट नहीं देता जी आपको, वो नहीं मानता। वो ये कहता है कि जो कर रहे हो मेरे ढंग से चलो, तो उसको करते 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 जिंदगी निभ जाती है। जब आदमी रियलाइज करता करना क्या है, दिस एंड ऑफ द गेम, आदमी फिर सोचता है कि अब नेक्स्ट जन्म में शायद मैं यहाँ से फिर टेक ओवर कर लूँ। सत्य मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत यही है। लोग शायद जान के नहीं बताते होंगे, मैंने तभी आपको बता दिया कि जब आदमी पहुंच जाता है कि अच्छा ये था, ऐसे होना चाहिए था, बहुत वक्त निकल गया होता। ऐसा नहीं कि लोग तब तक आपको नहीं सुनते हैं, दीवाने हैं ऐसी बात नहीं है, फैंस हैं, हर चीज़ सुनते हैं और जो आता है और पता है उनको सब कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको शास्त्र के हिसाब से तोलते हैं, अरे कैसे होना चाहिए था भाई, या तो ऐसे होना चाहिए था, तो देखते हैं कि डिकेड्स चले गए उसको करते 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 करते। यही कंपोजिशन की वर्ल्ड का भी है। अगर मैं आपको ये भी, मैंने अपने गाने बनाए हैं, एक ही गाने के 5-5 वर्षन हैं, गाना एक ही है, से कलामी शम्स फकीर है, बहुत बड़े शायर हैं कश्मीर के रहे हैं। एक गाना है, 5 टाइप की धुनें हैं, क्योंकि वो डायमेंशन ही उसका वैसा है, उसका सोच ही वैसा है। आपको उसी ढंग से कंपोजिशन करनी पड़ती है कि कंपोजिशन ये है कि शायर के भाव को आप समझें और उसको ईजी करके लोगों तक पहुंचा दें, ये है कंपोजिशन। चाहे कलाम कितना ही मुश्किल ना हो, आप ये देख लीजिए गालिब साहब के कंपोजिशंस, सैगल साहब ने गाई। हकीकतन अगर अमर कोई शायर हो गया वो गालिब ही है, बच्चे की जबान पे भी गालिब है। बाकी तो मोमिन खान ये सब ने, हालांकि एक से एक बढ़कर राइटर हैं, या जो बाकी फैज साहब का कलाम है ये सब है, क्योंकि उनकी गजलों को इस ढंग से गाया गया वो सुपर हिट्स हो गई, तो पॉपुलरिटी बढ़ती है ना। ऐसा तो नहीं है कि बाकी शायरों ने नहीं लिखा, लेकिन गालिब साहब की पोइट्री को लोगों तक इजी करके सैगल साहब ने बनाया, सैगल साहब ने पूछा और कंपोजर्स ने जिन्होंने भी गजलें बांधी। तो कंपोजिशन तो ऐसे ही होनी चाहिए। ये सच ही है कि हमारा सौभाग्य था, रागगिरी का सौभाग्य है कि पंडित जी ने हमें बहुत स्नेह दिया। व्यक्ति के तौर पर, कलाकार के तौर पर, वो हमेशा रागगिरी के अभिभावक के तौर पर रहे। हमने इस मुलाकात में उनसे गुजारिश की थी, क्योंकि वहीं पर बगल में हारमोनियम रखा था, और हमने गुजारिश की थी कि पंडित जी संतूर को थोड़ी देर के लिए छोड़िए और हारमोनियम पर कुछ गुनगुनाकर सुनाइए, क्योंकि बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि पंडित जी ने बहुत सारे जो कश्मीरी रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को कंपोज भी किया था। और ये पंडित जी की सहजता देखिए कि उन्होंने हमारी इस गुजारिश को माना, संतूर छोड़ा और हारमोनियम को लेकर उन्होंने हमें क्या सुनाया था, आप भी देखिए। ये सूफी शायर वहावखार हैं, बहुत बड़े सूफी शायर हैं, उनका एक कलाम है। कलाम में भाव ये है कि ललवन थोनम नार, नार अगन, यानी उसने ये जो दर्द की अगन जो है उसको कंटिन्यू करके रखा मेरे अंदर और मेरा करार वो ले गया, ये इसका मफहूम है। जिस्ट ललून थोबुनम हाना ललून थोबुनम हाला न्यूनम करार विसिए गुंडनम अशिकुल हाला न्यूनम करार विसिए ललून थोबुनम हाला
गस हो छो मंजिल दू गस हो छो मंजिल दू वन कस गया स्मचू गस हो छो मंजिल दू वन कस गया स्मजबू सतगो कुनहाना न्यूनम करार बिसिए सतगो उश कुनहाना न्यूनम करार बिसिए ललून थो नुहाना गुंडनम उश कुनहाना यूनम करार विसिए। तो ये सूफी शायर का एक कलाम जो कश्मीरी रंग का है, तो इसी तरीके के हजारों गाने हैं जो अलग अलग पीर परंपरा के जितने भी राइटर्स हैं, ऋषि परंपरा के, जिन्होंने लिखा हुआ है, पुराने हैं, कुछ मॉडर्न हैं। इस वक्त अगर आप कश्मीर के संगीत को देखेंगे, इस कंट्री का रिचेस्ट फोक ट्रेडिशन है, वहाँ रिचेस्ट फोक ट्रेडिशन आपको हज़ारों धुनें नज़र आएंगे और वो धुनें बनाई हुई हैं मेरी। अगर ओरिजिनल भी कुछ कोई धुन थी जिनके अंतरे नहीं थे, सिथाई पे ही होता था, उनके अंतरे मैंने बांधे। जैसे ये गाना बताओ, देखिए बहुत ही अच्छा गाना, बड़ी अच्छी पुरानी एक मेलोडी है, उसमें अंतरा नहीं था। गाना ऐसे था, मसबुगो सही रात के प्याले हनूज मसबूकों से, ये ओरिजिनल मेलोडी है, इसके वर्शन, मसबूकों से रात के प्याले हनूज मसबूकों से रात के प्याले अंतरा जो जुड़ गया, बड़ी ढल सुलुम छल मुख में हाविना बड़ी ढल सुलुम छल, ये जो धुन मैंने बांधी है ये भाव अंग से लेके, इस शायर का जो इन्होंने बताया उस भाव को लेके ये अंतरा मैंने खड़ा कर दिया है। और देखिए उसके बड़ी ढल सुलुम, ये जो ढल है जिसमें रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी की पानी जिसमें भर गया, चलो चलो वो मुझे धोखा दे के चला गया, बड़ी डल। अब ये डल तो पूरा ब्रह्मांड है जो अकासी कर रहा है शायर, मुख में हाविना, अब वो दोबारा कब मुझे मिलेगा। खसविनी तेल बल ना रहे हो, सब तेल भर एक और जगह है, तो मतलब इस तरह का उसका उपयोग, चला गया पता नहीं कब आएगा। देखिए बड़ी डल चलो चल मुख में हाविना बड़ी डल सुनू छल मुख में हाविना खसबिनी तेल बल नाल हनो मसबो से। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जिनके अंतराज जोड़ दिए। कश्मीरी छकरी, छकरी में हमारा वॉइस कल्चर बड़ा डिफरेंट आता है, उसको न कजाकिस्तान से कोई लेना देना, न उसको ईरान से, न तेहरान से, न किसी भी तान से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ कश्मीरी अच्छल का है, वो थ्रो ही वैसा है,
और पोइट्री कंसेप्ट लेके, मेलोडिक स्ट्रक्चर्स लेके, वो सिर्फ कश्मीरियत डिफाइन करता है। और उसके लिए जिस वक्त कंपोजिशन बनेगी तो बड़ी सोच समझ के बड़ी साइंटिफिक कंपोजिशंस बनती थी जो बनाता था मैं, और वह अब मर्जर उसमें हो गया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मैं सुनता हूँ। मुझे याद है कि मैं उन दिनों प्रोड्यूसर था श्रीनगर स्टेशन पर, एक साहब ने फ़ोन किया, मेरा दोस्त ही था, बड़ा रईस था, कि अरे भजन भाई कल ज़रा हमारा फंक्शन है तो कोई फोक पार्टी आए। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर आएगा, पेमेंट क्या करो? बोलो पेमेंट क्या, वो तो बस मतलब उस वक्त तो 50-60 रुपये में, कहा क्या है भाई हमाका था ये तो। मैं कहा तुम लोगों का लाखों तुम स्पेंड करते हो और तुम्हें म्यूजिशियन के लिए जिस वक्त पैसा निकालना होता है तो तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। मैं कहा बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे दोबारा फ़ोन नहीं करना तुम, रिश्ता ख़त्म। फिर उसका आगे नहीं नहीं मैं वापिस चाहता हूँ। क्या मैंने कहा कम से कम 1,000 भी दे दो कल इसको। तो ईश्वर की कृपा से फिर शुरू हो गया, क्योंकि अगर आप म्यूजिशियनों के दर्द को नहीं समझते तो आप प्रोपगेशन क्या कर रहे हैं, आप प्रिजर्वेशन क्या कर रहे हैं, प्रमोशन क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को एक ये समझ के कि भाई ये मेरे नेशन का एक चीज़ है और मुझे इसको प्रिजर्वेशन करना ही करना है, और ये मेरा काम बनता है, मेरा दीन का फ़र्ज़ बनता है, मेरे ईमान का फ़र्ज़ बनता है। ये म्यूजिशियन की सिर्फ पेमेंट का मसला नहीं है, मसला है आर्ट को सर्वाइव करने का, आर्ट को एक दर्जा देने का, उसको एक अदब जो इज्जत बख्शने का है। पेमेंट मैटर नहीं करता, वो बेचारा निभा देगा, कोई बात नहीं। खाना तो सबको 2-3 रोटियां ही होता है, कोई ज़्यादा तो नहीं खाता, लेकिन इज्जत से अगर आप हर चीज़ पे इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, जिस वक्त आपकी म्यूजिशियनों की बारी आती है तो आप ये हो जाओ, और वो आप सिर्फ फोक और क्लासिकल वालों के साथ ही फिडल कर सकते हैं। अब बॉलीवुड से टीम आती है, आप वहाँ फिडल नहीं कर सकते, या कहीं भी जो चमक दमक वाली चीज़ आएगी वहाँ फिडल नहीं कर सकते। जो एक ट्रेडिशन लिए हुए है, जो जिस पे पीछे आपका सब कुछ डिपेंड कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, साहब मैं ये हूँ, ये मेरा सरमाया है। आपके चीज़ों को नहीं देखा जाता कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कितनी हैं या पैसा कितना है, नहीं, आपका विरसा क्या है, आपकी हेरिटेज क्या है, आपका तखयल क्या है, आपने इनहेरिट क्या किया है, किस संस्कार को लेके आप चल रहे हो, मेरा ख्याल ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बातचीत अब यहीं खत्म होती है। पंडित जी तो अब नहीं है कि हम उन्हें रूबरू होकर धन्यवाद दें, लेकिन पंडित जी आज जहां भी कहीं हैं, वहां जो उन्होंने हमें संगीत दिया, जो हमें उन्होंने अमर धुने दी, उन सब के लिए एक बार फिर हम सब की तरफ से, संगीत प्रेमियों की तरफ से हमारा धन्यवाद पंडित जी तक पहुंचे। और ऊपर वाले से ये कामना है, उम्मीद है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि पंडित जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।